दोस्तों नमस्कार, यह न्यूज़पेपर दैनिक जागरण है और यह न्यूज़पेपर मधुबनी जिला के अंतर्गत जितने भी खबर है और आसपास के जितने भी खबर है सभी इस न्यूज़पेपर में दिया रहता है। इस न्यूज़पेपर में जितना भी हेडलाइन है सभी को मैं बारी बारी से आपको पढ़कर सुनाने वाला हूँ ताकि आपको न्यूज़पेपर की सभी जानकारी मिल सके। अंत में आप इस न्यूज़पेपर को PDF में डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का समाचार पत्र दैनिक जागरण। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म। राहुल को अयोग्य घोषित करने के फैसले ने समूचे विपक्ष को किया एकजुट। राहुल गांधी के मसले पर कांग्रेस और माले ने विधानसभा में की नारेबाजी। सदन में गूंजे शैलेंद्र के गीत। सांस्कृतिक संस्था का होगा नामांकन। भाजपा की लिखी पटकथा पर केंद्र ने की कार्रवाई ललन सिंह। कोसी विकास प्राधिकरण गठन के लिए जल्द पहल शुरू करे केंद्र। संजय झा सदन में उठा सारण शराब कांड का मुद्दा। नई नियमावली तैयार। सभी शिक्षकों को मिलेगा ऐच्छिक हस्तांतरण का लाभ। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में शिक्षकों के खाली पदों पर जल्द होगी नियुक्ति। अगले एक सप्ताह के भीतर आरम्भ होगा NMCH में आए बैंक। सुखदेव के नाम पर हो मखदूमपुर रेलवे स्टेशन का नामकरण। आदित्य कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज। वोटर कहीं जाए अध्यक्ष तो राजद वाला ही चाहिए। समस्तीपुर में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक से 11 लाख लूटे। प्रदेश में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए चला जाएगा अभियान। गांव के लोगों को बिजली दर में बढ़ोतरी से नहीं होगा नुकसान। जाँच एजेंसी के दुरुपयोग के विरोध में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे 14 विपक्षी दल। स्टेशन पर लिफ्ट की सुविधा शीघ्र। लिफ्ट लगने से दिव्यांग और बुजुर्ग यात्रियों को मिलेगी सहूलियत। दुर्घटना में 2 महिलाओं सहित 3 लोग जख्मी। उपकार में कैदियों के बीच जागरूकता कार्यक्रम और जांच शिविर। शैक्षिक संस्थान खुलने से लोगों में हर्ष। वाहनों से नियमानुसार वसूले शुल्क। कारोबारी को 3 करोड़ जमा करने का निर्देश। लोकही में शिक्षकों को लुटेरों ने लूटा। रमजान पर खरीदारी को बाजार में बढ़ी चहल पहल। रब को राजी करना जिंदगी का मकसद। कचरा प्रबंधन से दे रही पर्यावरण संरक्षण का सशक्त संदेश। माँ दुर्गा के दरबार में हर मन्नत होती है पूरी। योजनाओं का लाभ मिलना हुआ आसान। आकाशपुरा वन दुर्गा मंदिर की आकर्षण सजावट जुटेंगे श्रद्धालु। शराब मामले में फरार नामजद आरोपी गिरफ्तार। भेजा जेल 4 दिनों के शिबिर में 2.49 लाख होल्डिंग टैक्स बकाए की वसूली। चांद के नीचे चमकते तारे को देखने घरों से निकले लोग। थाने पर शांति समिति की बैठक आयोजित। महाविद्यालय में प्रारंभ होगा अंग्रेजी स्पोकन कोर्स। कालाजार उन्मूलन को लेकर प्रखंड टास्क फोर्स की हुई बैठक। चोरी की बाइक के साथ 2 चोर गिरफ्तार। अर्चना ने अवार्ड हासिल कर बढ़ाया मान। चयनित 141 पंचायतों में से 10 में अवशिष्ट प्रबंधन इकाई बनी। 26 निर्माणाधीन। अपहृत लड़की बुजफवन गांव से बरामद। जिला स्तरीय टीम योजनाओं की प्रमुखता से करे जाँच। देशवासियों की गाढ़ी कमाई डूबने से कगार पर। तम्बाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए दुष्प्रभावी। अंधराठाड़ी में महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ। दिन दहाड़े बुलेट चोरी का कर भाग रहा युवक गिरफ्तार। मिशन अंत्योदय के लिए पंचायतों में BDO ने की बैठक निर्देश। केंद्र सरकार की जन विरोधी नीति का पर्दाफाश करेगा भाजपा। खजौली में कुर्की जब्ती के लिए कार्रवाई। पुलिया का घटिया निर्माण अफसरों ने तुरवाया। घेरे में व्यवस्था बाउंसर दे रही सुरक्षा। बेतिया बस पड़ाव पर बिचौलिए के वर्जस्व यात्री होते परेशान। देखे जाएंगे ग्वालियर से सिवान के बीच स्टेशनों के कैमरों के फुटेज। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर खड़ी गरीब रथ के कोच में लगी आग। प्लेटफॉर्म छोड़ भागे यात्री। पर्यटक बस ने ट्रक में मारी टक्कर। चालक समेत 8 घायल। जानलेवा हमला करने के दोषी से सौतेले भाइयों को 8 साल का कारावास। छपरा में SBI CSP से 63,000 की लूट। टॉयलेट क्लिनिक शौचालय निर्माण व मरम्मत की सुविधा। नागालैंड के स्कूल के भीत के भी बनाए गए थे जाली प्रमाण पत्र। शराब पीकर हंगामा करते 2 लोग पुलिस से उलझे।
टाइम बम मामले में जेल में बंद जैकी को रिमांड पर लेने की अर्जी। गाँव में 100 रुपये के स्टाम्प पर प्रारंभिक बंटवारे को प्रेरित करेंगे राजस्व कर्मचारी। दवा कंपनी के मैनेजर को झांसे में लेकर उड़ाए 1.30 लाख। BLDR एक्ट के लंबित मामलों का समय से निष्पादन करे DCLR। आरोपित अमन ने जेल में तोड़ा टीवी। सिकंदरपुर महिला व गर्भवती बहू को पीटा। 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय पहली कक्षा में 260 सीटों पर होगा नामांकन। भक्ति करने वालों के साथ रहते हैं परमात्मा। पुरोधा प्रमुख। राजनीतिक रहर का नया मोर्चा। पूर्व सांसद राहुल गांधी फिर से बने न्यायिक नियुक्ति आयोग। लेना होगा संकल्प। टीवी पर बदलती है महिलाओं की भूमिका। पथ की प्रदर्शक नारी शक्ति। पैचवर्क ड्रेस बनाए कल फूल। ज्यादातर डक्स पाकिस्तान से भेजी जाती है सा। NPS में बदलाव को केंद्र सरकार तैयार। 2 वर्ष के भीतर देश को टीवी मुक्त करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पूर्वोत्तर में 14 अप्रैल को वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा सकते हैं PM मोदी। 7 लाख से कुछ ज्यादा आय पर मिलेगी मामूली राहत। EV उत्पादन में पहले पायदान पर होगा भारत। गडकरी। विदेशी मुद्रा भंडार में $12.8 अरब की बढ़ोतरी। हिडनवर्क के जैक डोसी की कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप। बैंकों की वित्तीय स्थिति जल्द रिपोर्ट पेश करेगी केंद्र सरकार। RBI के केंद्रीय बोर्ड ने घरेलू आर्थिक स्थिति की समीक्षा की। नए नियमों से IPL में लगेगा रोमांच का तड़का। निशानेबाजी विश्व कप में रुद्राक्ष को कांस्य। भारतीय महिला चौकड़ी की नजर स्वर्ण पर। सिंधु बाहर। स्वातिक चिराग की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में। यास्तिका मैथ्यूज ने मुंबई इंडियंस को दिलाई तेज शुरुआत। कोको गफ और पेगुला तीसरे दौर में पहुंची। अर्जेंटीना में जादुई मेसी का कुमार बरकरार। रोनाल्डो के ने बनाई रिकॉर्ड। महिलाओं की स्पर्धा में हिस्सा नहीं ले पाएगी ट्रांसजेंडर एथलीट। प्रतिबंधित संगठन का सदस्य होने मात्र से अपराधी होगा व्यक्ति। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव घोटाले में घिरे शेखावत पहुंचे कोर्ट। 45 कंपनियां कर रहे शस्त्रों का व उपकरणों का उत्पादन। कांग्रेस पार्टी के भीतर ही लोग राहुल गांधी को बचाने के नहीं थे इच्छुक। भाजपा लोकसभा चुनाव के शंखनाद की तैयारी। 10 साल पहले राहुल ने अध्यादेश नहीं फाड़ा होता तो बच जाती सदस्यता। राहुल को आयोग घोषित करने के फैसले ने विपक्ष को किया एकजुट। शहीद PM के बेटे को मिर्जा का कहा कर पुकारा प्रियंका गांधी। नमामि गंगे मिशन को संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि ने बताया आशा की किरण। ईरान अफगान में हिंसा से जुड़ा रही महिलाओं के साथ अमेरिका बाइडन। उत्तर कोरिया ने रेडियोएक्टिव सुनामी पैदा करने वाले ड्रोन का किया परीक्षण। लंदन भारत उच्चायोग को प्रदर्शन करने वालों को पासपोर्ट होंगे रद्द। कश्मीर पर चल रही वाहस में खलस धक्का दे निकाले गए अलगाववादी। ChatGPT स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में बड़े बदलाव लाने में सक्षम। जय हिंद जय भारत।